फ्रेंड्स, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं बी एस के विद्यासागर संघ के चैनल। तो देखिए, मैं पहले वीडियो में मैं बता दिया हूँ 1 से 20 तक का क्वेश्चन। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और इस वीडियो को भी देख लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो पर लाइक जरूर करिए, और ऐसे ही क्वेश्चन डेली देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप मैट्रिक 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करके ही रखिए, क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम देकर आते हैं हम सारा क्वेश्चन सोल्व करके डाल देते हैं, आप मिला लीजिएगा तो आप कितना सही बनाए और कितना गलत। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए, पहले वीडियो में मैं 1 से 20 तक बना दिया हूँ, इसमें 21 से बनाऊँगा। 21 से अब जितना बनाएं, 21 से मैंने 50 बना दे रहे हैं इसी वीडियो में। तो देखिए, हमारा 21वां दिया हुआ है क्वेश्चन, समबाहु समकोण में ए बी सी में, जहाँ सी समकोण है। तो देखिए ऐसे है, सी समकोण है, ऐसे त्रिभुज है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सी है, सी यहाँ पे है तो सी समकोण है। यहाँ मान लेते हैं बी, और यहाँ मान लेते हैं ए। तो देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा, सी समकोण है तो हमारा हो जाएगा ए निकालना है। हम निकालेंगे, हमारा निकालने के दिया है ए बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए बी स्क्वायर, तो ए बी हमारा कर्ण के लिए कह रहा है, तो कर्ण बराबर होता है ये और ये बराबर है, देखिए देखिए दोनों बराबर है, तो ए बी बराबर होगा, ए बी बराबर होगा देखिए ए सी स्क्वायर, ये वाला ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। तो देखिए ये दोनों बराबर है तो ए सी स्क्वायर, इसको भी ए सी स्क्वायर कहेंगे और इसको भी ए सी स्क्वायर, तो दोनों को मिला के ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर हमारा हो जाएगा बी सी स्क्वायर। तो देखिए दोनों को मिला देंगे तो 2 BC स्क्वायर, तो हमारा इतना सही हो जाएगा। तो 23 का हमारा हो जाएगा ए, ध्यान दीजिएगा 23 का हमारा हो गया ए, तो ए पे ही टिक करिएगा 23 का ए सही है। 22 का देखिए, किसी बाह्य बिंदु से पी एक वृत्त जिसका ओ केंद्र है, जिस खींची गई स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी के बीच की कोण 80 डिग्री है, तो कोण पी ओ के मान क्या होगा, तो कोण पी ओ के मान देखिए क्या होगा, तो घटाएंगे तो सही आएगा, और 2 रहता है मतलब 2 भागों में बढ़ जाता है तो ये 50 हो जाएगा, तो 22वां का ए हो जाएगा 50। 23वां देखते हैं, 23वां हम बना लिए हैं, आप 23वां बना लीजिएगा। 23वां का आया है मेरा 8.8, 23वां का भी ए है। बात करते हैं 24वां का, तो 24वां देखिए हमारा दिया हुआ है 10वां पद, 10वां पद हम निकाल जानते हैं कैसे निकालते हैं। 10वां पद निकालने के लिए हम ए 10 निकालने के लिए हम जानते हैं ए प्लस 9D हो जाएगा। तो देखिए 9D, यहाँ पे ए दिया है 8, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे ए दिया है 8 और डी भी बनाएंगे, तो डी हमारा देखिए इसमें 2 बढ़ रहा है, ध्यान से देख लीजिए इसमें और इसमें 2 बढ़ रहा है, तो ध्यान से देख लीजिएगा 2 बढ़ रहा है तो 2 से गुणा कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 और 2, ये देखिए पहले 8 हो जाएगा और इसमें दोनों में गुणा करेंगे इसमें तो 18, तो 8 और 18 हमारा हो जाएगा 26, तो हम 26 पे ही 24वां का टिक करेंगे। 25वां देखिए, इसका मूल 2 है तो शून्य ज्ञात करें, एक मूल 2 है माने एक्स का कहने का मान 2 है, तो के का मान ज्ञात करना है, तो के का मान ज्ञात किए हैं तो 25वां का आया है -2, तो आप -2 पे कर लीजिएगा, नहीं तो आप बनाना चाहते तो बना लीजिएगा। इसका कौन सा पद शून्य है, तो देखिए ए एन बराबर शून्य दिया हुआ है, एन बराबर शून्य, एन पूछ रहा है तो ए हम जानते हैं एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर में 0 है। देखिए ए दिया हुआ है, इसको निकाल लेना है एन को, तो एन निकाल लीजिएगा, तो एन निकालने के बाद 8वां पद आएगा तो आपका 26 का सी हो जाएगा। 27 का देखिए, तो एक मूल कौन सा है, तो एक मूल हम तो बना लिए हैं गुणनखंड करके, एक मूल -4 आया है, तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा। देखिए इतना है कॉमन निकालिएगा तो आपका आएगा 5 और 3, देखिए इसमें गुणा करेंगे तो 24 आएगा, दोनों में गुणा करेंगे 24 आना चाहिए, तो ऐसा संख्या जो होना चाहिए 24 और जोड़ने घटाने पे 5 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए देखिए 8 और 3, 8 में 3 से घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और दोनों में गुणा करेंगे तो 24 चला आएगा, तो हमारा हो जाएगा 27वां का सी, तो सी ही सही होगा। 28वां देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -B/A,
आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो माइनस बी, देखिए माइनस यहाँ का एक माइनस है जो यहाँ है, यहाँ वाला एक माइनस, और माइनस एक क्वेश्चन में माइनस दो है, तो माइनस में दो हो जाएगा, अब बटा में हो जाएगा ए, तो ए के जगह पे यहाँ पे देखिए एक है, तो यहाँ पे एक, तो माइनस माइनस दो प्लस में हो जाएगा, तो केवल दो होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन दिया हुआ इतना इतना, तो हमारा जान पहले निकाल लिए हैं इसका दो। तो बात करते हैं 29 बात का, 29 का हो जाएगा कॉस ए। देखिए 29 का हो जाएगा सेक ए, क्योंकि 29 में देखिए से जानते हैं सेक नहीं कॉस होगा, क्योंकि साइन इतना बार सूत्र है तो कॉस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेक ए बराबर, तो सेक का उल्टा कौन सा है, तो ये है आपका उल्टा, तो यही हो जाएगा। तो 30 का हो जाएगा हमारा ए सही उत्तर। 31 का बात करते हैं, तो देखिए ये दोनों में से ऊपर नीचे किसी एक को बदलिएगा, अब दोनों में से एक को बदल लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा होगा। तो किसी एक का आप जरूर बदलिएगा, एक का बदलिएगा, मान चलिए कौशिक 44 है यहाँ पे, तो कौशिक 44 को सेक में बदलिएगा तो सेक आ जाएगा 46, तो सेक 46 नीचे में हो जाएगा, तो दोनों कट के एक आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 31 का बी। यहाँ पे बात करते हैं 32 का, तो 32 दिया है 2 कॉस स्क्वायर इतना, तो देखिए हम बना दे रहे हैं इसको कि 2 कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो जाएगा देखिए 2 गुने स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और कटेगा इससे ये तो 2 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो देखिए इसमें देखेंगे 1/2 किस में है, तो 1/2 डी वाला में है, देख लीजिए यहाँ पे है डी, डी हमारा सही हो जाएगा। तो 32 का डी हो जाएगा, डी पे सही मार लीजिएगा, बना लीजिएगा पूरा, हम सही बताएं, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं है इसमें, मेरा वादा है, क्योंकि मैं खुद सोल्व करके बताया हूँ, खुद पढ़ाता हूँ तो खुद मैं जानता हूँ। देखिए साइन स्क्वायर 20° प्लस साइन स्क्वायर 70°, तो किसी एक को चेंज करेंगे, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, यदि इसको चेंज करेंगे तो आपका आएगा कॉस 20। हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अगर देखिए बात करें दोनों जगह पे ए, यहाँ भी ए यहाँ भी ए रहे, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रहता है तो हमारा मान हो जाता है 1, तो देखिए यहाँ भी 20 हो जाएगा और यहाँ भी 20 हो जाएगा, यहाँ कॉस में बदलेंगे तो 20 हो जाएगा और यहाँ भी 20 है, पहले ही से 20 है, दोनों जगह 20-20 हो जाएगा, तो हमारा मान हो जाएगा 1। तो 1 देखेंगे किस में है, तो 1 है 34 भले 34 नहीं 33 का 1, तो 1 है डी में, तो डी हो जाएगा 34 का। तो ये देखिए ये टेन है tan थीटा, ये कॉट है तो गुना करेंगे तो 1/cot हो जाएगा, 1/tan, और tan हम जानते हैं कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1, तो इसका 1 हो जाएगा, 34 का ए हो जाएगा। 35 की बात करते हैं, तो 35 के देखिए ये लंब है ये आधार है, किसी को भी लंब बनी किसी को भी आधार बनी है, कोण निकालना है, एसी निकालना है तो कोण निकालना है समकोण में, तो कोण निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 13। आप लोग ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है बनाए होंगे तो 13 आता होगा, पहला 35 का ए हो जाएगा। 36 का देखिए, 36 का हम तो बना लिए हैं, आप जरूर कर लीजिएगा, देखिए कैसे करना है, हम बना दे रहे हैं इसको 5 साइन ए बराबर कॉस ए, देखिए सॉरी यहाँ पे कॉस के पास 8 दिया हुआ है, तो देखिए इसको कैसे होगा, ये 5 जेम कितने हो जाएगा 8, ये गुणा में है, ये देखिए गुणा में है तो इधर आके बटा में हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बटा में है, ये जो है ये इधर जाएगा बराबर के इधर, तो साइन हो जाएगा। तो हम जानते हैं इतना के जगह पर, इतना के जगह पर कॉट होता है, तो कॉट का मान हमारा आ गया 5/8, तो 5/8 पे हम टिक कर देंगे तो हमारा डी हो जाएगा। 37 का, तो कॉट 60 का मान, तो कॉट 60 का तो हमारा दिया हुआ है, कॉट 60 का हम लोग जानते हैं तो 1/√3 होता है, तो हमारा हो जाएगा बी आंसर, तो हम बी पे टिक कर देंगे। 38 का देखिए, तो 38 का हम बनाए हैं, 38 का आप बना लीजिएगा, यहाँ 2√3 हो जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा। 39 का देखिए, परिमाप इतना है
त्रिज्या निकालेंगे इसका तो 7 हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि देखिए सूत्र क्या होता है, 2r + πr होता है, आप ज्ञात करिएगा अर्धवृत्त का परिमाप यही होता है 2r + πr, याद रखिएगा। 40 का तो 40 का इतना है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, इसका व्यास ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, व्यास ज्ञात करना है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल है 154, तो 154 है देखिए पाई आर स्क्वायर होता है, तो देखिए 22/7 और आर बराबर में 154 है, तो इससे इससे ये कट जाएगा 7 बार में, 7 × 49 आर स्क्वायर बराबर 49 होगा, आर बराबर 7 हो जाएगा। तो ब्यास हम ज्ञात करेंगे तो ब्यास हमारा हो जाएगा 14, यानी 40 का ए हो जाएगा। 41 देखिए, तो 41 का ये ब्यास दिया हुआ है, ब्यास है 28, तो आर बराबर 14 हो जाएगा, आर बराबर 14 और ऊंचाई हो है 20, तो ऊंचाई 20 है तो वक्र निकलना है, मतलब 2πr h, 2πr h निकलना है। देखिए 2π की मान 22/7, r दिया हुआ है 14 हो जाएगा क्योंकि ब्यास सही है, ये ब्यास है तो 14 r हो जाएगा, और ये देखिए ऊंचाई है 20, तो इसमें इसमें कटाएंगे तो दो बार में कटेगा 40 40 80 80, और इसमें गुना करेंगे तो 1760 आ रहा है, तो 1760 देखेंगे किस में है, 1760 बी में है, तो इसका बी हो जाएगा। 42 के देखिए अर्धगोला के त्रिज्या 7 है, कुल पृष्ठ निकालना है, तो कुल पृष्ठ निकालेंगे तो 147 π cm हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात इतना है, क्षेत्रफल के अनुपात त्रिज्या के है, क्षेत्रफल को पूछ रहा है स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर कर देंगे तो इतना हो जाएगा। यदि किसी त्रिज्याखंड कोणीय माप इतना है, त्रिज्या आर है, तो लंबाई हो जाएगा, तो देखिए आपका ए हो जाएगा 44 का। 45 का माध्यिका देखिए, माध्यिका हम जान रहे हैं, माध्यिका निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, माध्यिका निकाल लीजिएगा आप। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसीलिए मैं नहीं बनाया हूँ, नहीं तो मैं बना के सब चेक कर लिया हूँ। देखिए 46 का, तो 46 का हम जानते हैं 1.5 आ रहा है, तो 1.5 कर लीजिएगा। कैसे देखिए, इसे कौन परीक्षा नहीं हो सकता है, एक से कम ही परीक्षा होता है, यहाँ पे एक से ज़्यादा है इसलिए ये परीक्षा नहीं हो सकता है, 46 का भी हो जाएगा। इसका देखिए वर्ग चिन्ह, ये बहुत ही आसान है, वर्ग चिन्ह आप याद रखिएगा, आप जरूर परीक्षा में आएगा। देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये मेरा वादा है, फिक्स है, तो ये आएगा ही आएगा, ये दोनों का जोड़ दीजिए, ये और ये दोनों जो दोनों है दोनों को जोड़ दीजिए और दूल्हे भाग दीजिए, तो 30 आएगा, 30 बटा में 2 है तो कट जाएगा 15 बार में, 15 आपका आंसर आ जाएगा। 15 देखेंगे ऑप्शन इसमें कौन किस में है, डी, तो डी हमारा हो जाएगा। किसे माध्यिका ज्ञात की जाती है, तो ब्रह्मवाता बहुभुज पढ़े होंगे आप लोग, जो बनाए होंगे इला, एक पासा को एक बार फेंका जाता है 5 आने के पे, 5 देखिए पासा में 5 कब बार रहता है, 5 एक बार रहता है, हम जानते हैं पासा में 5 एक बार रहता है, कुल कितना बार रहता है, कुल है 6, तो 1/6 हो जाएगा, तो हमारा बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बी दिया हुआ है। 50वां के देखिए, अच्छी तरह फेटे पान के पत्तों में, देखिए लाल रंग की रानी होने की परीक्षा, लाल रंग देखिए रानी कब होती है, तो 4 को होती है, 2 काला का होता है और 2 लाल का, देखिए 2 काला का और 2 लाल का, तो लाल का हम देखते हैं 2 है, कुल कितने हैं पता, तो कुल है 52, तो कट जाएगा 1/26 हो जाएगा, तो 1/26 देखेंगे किस में है, तो 1/26 सी में है, तो हमारा सी हो जाएगा। तो ठीक है, ये अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो पर लाइक करिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए मैं चैनल सब्सक्राइब करके ही रखिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि परीक्षा में आपको टाइम कम है, टाइम जीने फालतू में बिताइए मत, आप पढ़ते रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर आपको किसी दोस्त के पास शेयर करना है तो शेयर भी करिए, क्योंकि वो आपका दोस्त भी पढ़ेगा तो आपको आपका नाम होगा, आपका आपको बताएगा तो हाँ अच्छा वीडियो डाला, और उसको भी बोलिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम बीतेगा और आपका पेपर सही से ही मैं डाल के बना के डाल दूंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उसमें 20 क्वेश्चन को सोल्व किए हुए हैं 1 से 20 तक, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, ओके, बाय, गुड बाय।